रुड़की में अधिकारियों की मनमर्जियों से पार्षद परेशान है। ये अधिकारी अपने चहेतों को टेंडर दे देते हैं और नियम प्रक्रिया का पालन नहीं करते। इसी मसले को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। रुड़की नगर निगम में टेंडरों के निरस्तीकरण को लेकर नगर निगम के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों की मनमर्जियों के चलते निगम में लाखों रुपए के टेंडरों अपने चहेतों को दिए जाते हैं। अगर अधिकारियों के करीबी को टेंडर नहीं मिले तो टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी जाती है। इस टेंडर घोटाले को लेकर पार्षदों ने धरना देने की बात कही है। वहीं मुख्य नगर अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा है कि नगर निगम द्वारा निरस्त किए गए टेंडरों को लेकर पार्षदों को कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसको लेकर उन्हें समझा दिया गया है। मैं कल से यहाँ पे धरना दूंगा, बढ़िया करके प्रदर्शन। मैंने परमिशन ले रखी, एसडीएम महोदय मुझे मिलेंगे थे, मैं बताऊंगा कि नगर निगम के अंदर क्या क्या हो रहा है और ये कौन सी भाषा है बोल रहे सर, वो मैं जानता हूँ कि अब इनके पास परमिशन आई 600 लाइट खरीदने की और 3 महीने से इनके पास नहीं आई थी। ये मेरा जेट दिलवाता है जनता की आवाज उठाने के लिए। बेबी खन्ना हर वक्त तत्पर पे रहेगा और जो इन अधिकारियों ने यहाँ पर तानाशाही का रवैया अख्तियार कर रखा उसका विरोध मैं करूंगा और कल से अनिश्चित धरना मैं दूंगा। 130 टेंडर यहाँ से हुए थे और उनमें कुछ अनियमितताएं थी, तो इस वजह से वो निरस्त हुए और हमने उसको 20 तारीख को फिर से रिटेंडर कर दिया था। और ये शॉर्ट टर्म रिटेंडर्स हैं, तो 28 तारीख को ये खोले भी जाने हैं, तो ये मतलब निकट भविष्य में खुल जाएंगे टेंडर। उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। सर, उनका कहना है कि लाइट्स नहीं आई है, हमने इस पर टेंडर किया था और केवल एक ही फर्म उसमें क्वालिफाई कर पाई टेक्निकली, तो एक टेंडर में क्योंकि उसे खोला नहीं जा सकता था नियमानुसार, इसलिए उसको भी कैंसिल करके रिटेंडर किया हुआ है। ठीक है सर, और फॉर टाइम बीइंग क्योंकि दीपावली नज़दीक में है, इसके लिए हमने कुछ लाइट्स अभी जो डायरेक्ट परचेज होती है उसके माध्यम से मंगा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।